जिंदाबाद शुरू करते हैं आप सब की महबूब लीडर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा जिनको आप जिनका आप सब मैं यहाँ बेसब्री से तशरीफ लाते रहे। जैसा कि हर एक चीज की शुरुआत अल्लाह वाहेगुरु भगवान के नाम से होती है, इसी जमन में मैं आज की तकरीब की शुरुआत आपके सैयद साहब को वो आज मोहतरमा के लिए दुआ को है खुदा की बात और मैं यहाँ की जो क़यादत है यहाँ बात नहीं कर पाते, आप ऊंची सांस नहीं ले पाते हैं। कोई अखबार वाला कुछ लिखता है तो पुलिस बुलाती है, कोई बच्चा ट्वीट पे कुछ लिखता है तो पुलिस बुलाती है, मैं कोई प्रोग्राम बनाती हूँ कहीं जाने का तो दरवाजे पे ताला लग जाता है। बड़ा बड़ा गुठन है और ये गुठन 2019 5 अगस्त से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बात नहीं कर पाते हैं आप और ऊपर से मसाइल के इतने सारे भंडार। 2019 5 अगस्त को जो हुआ वो मेरे ख्याल में 1947 से लेके आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। हमारी पगड़ी हमारी चादर सबको मलियामेट कर दिए, हमारे रियासत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसा लगता था कि जैसे जो होता है सरांड वो किसी शीशे की दुकान में घुस गया। जब सरांड किसी शीशे की दुकान में घुस जाता है तो क्या करता है वो? वही हाल बीजेपी ने यहाँ जम्मू कश्मीर में कर दिया। तो मैंने सोचा कि मैं राजौरी जाऊं पुंछ जाऊं और वहां देखूं वहां क्या हालत है, क्योंकि ये जो भूचाल आया 5 अगस्त 2019 को ये एक दिन का भूचाल नहीं था। अभी बताया यहाँ पर हाजी साहब ने कि ये चलता जा रहा है, रोज नए नए फरमान आ रहे हैं कि अब ये स्टेट सब्जेक्ट होगा, इसको स्टेट सब्जेक्ट मिलेगा, उसको मिलेगा, मुलाजमों को निकाल दो, आंगनबाड़ी वर्करों को निकाल दो, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, पहले सर्टिफिकेट होना चाहिए, नौकरी के लिए फलानी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जंगलों में हमारे जो गुजर भाई उनको खदेड़ो निकालो बाहर, यहाँ पर जो लोगों की ज़मीनें हैं 100-100 साल से ये कागज दो वो कागज दो। बिल्कुल अफरा तफरी, किसी न किसी तरीके से हमको उलझा के रखना चाहते हैं ताकि हम मुद्दे की बात भूल जाएं। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है हमने 1947 में एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद एक जमहूरी सेक्युलर गांधी जी के हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया था, हमने बीजेपी के हिंदुस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया, हमने गांधी जी के जवाहरलाल नेहरू के हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया, हमने अम्बेडकर जी के हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया, सर सैयद अहमद खान के हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया है, मगर आज जो हम देखते हैं और क्यों मिलाया, हम तो मुस्लिम रियासत थे, हम तो कहीं भी जा सकते थे, जैसे सब चले गए हिंदू रियासतें यहाँ गई मुस्लिम वहाँ गई, हम भी जा सकते थे, मगर हमने कुछ सोच समझ के फैसला किया, हमने कहा हम इस मुल्क में रहेंगे या हमारी शनाख्त बरकरार रहेगी। जो इकलौता अगर बेटा हो या बेटी
जो यहाँ मुझे बोल कहीं और भी देखा मैम, क्या कहना चाहेंगे जो ये आपका विजिट था राजौरी पुलिस में, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं पिछले 2 साल से मैं यहाँ आ नहीं पाई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ का पूरा दौरा करूँ और देखूँ लोगों की क्या मुश्किलात हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम तो सभी एक जैसी हैं, खासकर बेरोजगारी तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी लड़के बेकार, लड़के लड़कियाँ बेकार हैं, बेरोजगार हैं, और ऊपर से सरकार नौकरी देने के बजाय लोगों को नौकरियों से निकाल रही है। अभी हाल ही में आंगनवाड़ी लड़कियों को और लेडीज़ को डिसंगेज करने का उन्होंने कोई फैसला किया हुआ है। और भी मसले मसाइल हैं, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा है, करप्शन रूट पे है, और बाकी जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली हो, पानी हो, हर चीज़ की दिक्कत है। यहाँ जो पेंशन मिलती है, चाहे वो हैंडीकैप हो चाहे दूसरे, वो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें भी हेरा फेरी होती है। खासकर करप्शन के बारे में लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ जो गरीब लोग हैं वो पिसे जा रहे हैं। अगर पहले 10% करप्शन थी तो आज वो 50% हो गई है, और बाकी जो 370 और 35 के हटने के बाद जो लोगों को तकलीफ हो रही है, जो लोग समझते हैं कि उनका तशख्स, उनकी शनाख्त उनसे छीनी जा रही है, तो लोग जो हैं उससे बहुत ही बेदिल हैं, बददिल हो गए हैं और बहुत ही परेशान हैं कि ये क्यों हुआ। हमने तो इस मुल्क के साथ कुछ सोच समझ के हाथ मिलाया था कि हमारा तशख्स बहाल रहेगा, या हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ है। मैम, जम्मू के अंदर बात करें, जम्मू में आज भी मुसलमानों को टॉर्चर जो है वो किया जा रहा है, जहाँ सरकार फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात कर रही है, वहीं जम्मू के अंदर देखो मुझे हैरानगी है कि यहाँ तो कहते हैं लोगों को निकालते हैं ज़मीनों से, उनको कहते हैं हमने गुजर लोगों को देनी, और वो जम्मू में कुठवा हो, सांबा हो, जम्मू का दूसरा एरिया हो, वहाँ जो हमारे गुजर कमेटी है उनको वहाँ से खदेड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं मालूम ये कौन सा फॉरेस्ट एक्ट इन्होंने लागू किया जिसमें लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ के कागज मांगते हैं, वो कहाँ से लाएंगे वो कागज। इलेक्शन जिस तरह से डिले हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के, क्या करना चाहेंगे इसके? इलेक्शन मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरी तरजीह नहीं है, इलेक्शन जब होते हैं तब होते हैं। किस तरह से बात की जाए पाकिस्तान लेने वगैरह जी, हमारे पड़ोसी ममालिक की जो किस तरह से बात करनी चाहिए वो तो आज तो यहाँ की बात करो ना आप।